हेलो एवरीवन। तो देखो, आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। तो सपोज करो कि देखो, आपके पास यहाँ पे दो प्लेट्स हैं। मान लो इन दोनों प्लेट्स की हाइट h है। मान लो अंदर वाली प्लेट का जो रेडियाई है वो आपको a दे रखा है, और बाहर वाली प्लेट का जो रेडियाई है वो आपको b दे रखा है। और मान लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर है, जिसकी रेजिस्टिविटी आपको रो दे रखी है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये वाटर क्लॉकवाइज घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है, और मान लो उसकी वैल्यू है बी, तो आपको बताना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस करूंगा करेगा। और फिर आपको ये भी बताना है कि अगर मान लो मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक बल्ब कनेक्ट करूँ, मान लो जिसका रेजिस्टेंस है आर, तो आपको बताना है कि इस बल्ब से करंट कितना फ्लो करेगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू फैराडेज लॉ एंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके।